नमस्कार। और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। फर्जी फॉर्म बनाकर के सरकार को करोड़ों रुपए का चीना लगाने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग की 4 तत्कालीन अधिकारियों व 2 फर्जी फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिरसा के सिविल लाइन थाना में दर्ज हुआ ये मामला। पलवल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। सिरसा में फर्जी फर्में बनाकर के सरकार को टैक्स रिफंड के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया। वर्ष 2011 से 2014 के बीच में सिगरेट की फर्जी फर्म, फर्जी खरीद फ्रॉक दिखा करके टैक्स रिफंड किया गया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया गया। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। आज सिविल लाइन थाना में तत्कालीन 3 ईटीओ व 1 एएसटीओ पर तथा 2 फर्जी फर्मों के खिलाफ उनमें तत्कालीन मामला दर्ज किया गया है। जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उन्हें तत्कालीन ईटीओ डीपी बेनीवाल, ईटीओ अशोक सुखीजा, ईटीओ मालाराम व ईटीओ ओपीएस अहलावत। इसके अलावा मैं श्री ट्रेडिंग व मैं विनय ट्रेडिंग कंपनी सहित अन्य शामिल हैं। आबकारी विभाग के तत्कालीन अधिकारियों पर भी मिलीभगत कर सरकार को टैक्स का नुकसान पहुंचाने तथा कंपनियों की कागजात में गलत वेरिफिकेशन करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इसमें भी अलग अलग थानों में 19 फर्जी फर्मों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट। हमारे पास जितनी भी पेंडिंग कंप्लेंट्स तो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी, हमने उनमें सबने एफ आई आर दर्ज कर ली है और उसमें एस आई टी का गठन कर लिया है। मैंने खुद आज जो एस आई टी के मेम्बर्स हैं हमारे एस पी साहब की अध्यक्षता में बनाई है, उन सबकी मीटिंग ली है। हर केस में क्या क्या सबूत जुटाना है, कैसे उसमें आगे बढ़ना है, तो सारी हमने डिटेल में डिस्कशन की है। और कुछ में तो जो हमारी गाइडलाइंस होंगी, वो सारे केस की गाइडलाइंस हम अलग अलग से जारी करेंगे केस वाइज, और जिन जिन के खिलाफ है वो सारा माइन्यूटली क्या उसमें नेग्लिजेंस है, किसी की भी कर्मचारी की है या किसी फर्म की है, क्या डॉक्यूमेंट हमने उसमें कलेक्ट करने, वो सारी हम उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। कितने अधिकारी कितने अधिकारी, अब किस केस में कितने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगे अगर कोई इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एफ आई आर सर जो मौजूद है इसमें 4 ईटीओ का नाम आ रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? अभी मैं ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि इसका रोल है या नहीं है, बट एफ आई आर में जो नाम आए हैं हमने प्राथमिकता उसमें दर्ज कर ली है, उनका क्या रोल है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा।